भद्राचार्य जी, आरक्षण पे भी इनकी टेढ़ी नजर है। जैसा कि अभी मैं देखता हूँ फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे आरक्षण का बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हो रहा है, बड़े बड़े पेज बने हुए हैं, वहाँ पे भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि 10 साल आरक्षण दिया गया इन शूद्रों को, लेकिन अभी तक उसको खा रहे हैं, ये कब तक खाते रहेंगे? क्या इस पे भी आपका कुछ कहना है? नहीं, अब कितना कहें, इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। दो तरह के आरक्षण हैं, एक राजनीतिक आरक्षण है, एक जॉब्स का और एजुकेशन का आरक्षण है। जॉब्स का और एजुकेशन का, जॉब्स का मतलब नौकरियों का, और एजुकेशन का जो आरक्षण है वो परमानेंट है, वो जब तक संविधान रहेगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक आरक्षण है राजनीतिक, ये जो MLA MP वगैरह चुनकर जाते हैं ना पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, वो 10 साल का था और ये बगैर उसकी डिमांड किए, कोई नहीं मांगता इनसे उसका एक्सटेंशन कि इसको बढ़ाओ, ये अपने आप 10 साल बढ़ाते जा रहे हैं। कारण ये है कि इस समाज की दुर्गति का कारण ये राजनीतिक आरक्षण है। बाबा साहब ने भी इसका विरोध किया था, मगर सारी बातें बाबा साहब के मन की नहीं रखी गई थी संविधान में। इन्होंने कुछ षड्यंत्र करके कुछ प्रावधान अपनी मर्जी से भी किए थे, उसमें से एक राजनीतिक आरक्षण का है। वो बताओ, आज 131 मेंबर पार्लियामेंट हैं सारी पार्टियों के मिलाकर, जबकि BJP के सबसे ज्यादा हैं। कितने लोग हमारे अत्याचार पर मुंह खोलते हैं, कितने लोग हमारे साथ अनहोनी पर मुंह खोलते हैं, कितने साथ हमारे साथ हक तल्फी हो रही है मुंह खोलते हैं, एक भी नहीं खोलता। इसका एकमात्र कारण यह है कि ये लोग रिजर्वेशन से जीत कर तो आते हैं, मगर जिस समाज के ये प्रतिनिधित्व के नाम पर आते हैं उस समाज का उद्धार करने का इनका एजेंडा किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है, पहले से हम मांगते आ रहे हैं कि राजनीतिक आरक्षण जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये समाज के गद्दार नेता लोग अपने आप जब पार्लियामेंट में जाना बंद हो जाएंगे तो फिर अपने समाज के वोट मांगने आएंगे, और समाज के वोट मांगकर वो जाएगा जो समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। और रही बात भैया जॉब्स का, रिजर्वेशन का, नौकरियों का विरोध करने की, असलियत यह है कि इस देश का जो शासक है वो इस बात के प्रति पूरा वाबस्ता है, पूरा सावधान है, पूरा सचेत है कि कहीं हमारा कंपटीशन खड़ा ना हो जाए, कोई हमारा बाजू पकड़ने वाले खड़े ना हो जाए, कोई हमें टक्कर देने वाला खत्म ना हो जाए। इसलिए खत्म करो उनको, और वो खत्म कब होंगे, उनको ऐसा लगता है कि आरक्षण खत्म करो, इनका ये खत्म करो, इनका ये सब षड्यंत्र हैं। आरक्षण में कौन आते हैं, मैं तो कहता हूं हमें जो आरक्षण से जो लोग आते हैं वो डबल कंपटीशन जीत कर आते हैं। कारण यह है कि 100 सीट में से जो रिजर्व सीट होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें परसेंटेज अप्लाई करने वालों को ज्यादा होता है और जनरल लोगों का परसेंटेज कम होता है। असलियत यह है, ये सब प्रचार है, हमारे लोग पढ़ते लिखते नहीं, इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देना जानते नहीं, इसलिए एक तरफा काम चल रहा है, प्रचार एक तरफा, षड्यंत्र एक तरफा, झूठ एक तरफा। अरे जिस दिन मेरे समाज के लोग फालतू की पोस्ट डालने के बजाय अपने इतिहास को पढ़ना शुरू कर देंगे, मंडल कमीशन की सिफारिशों को पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ना शुरू कर देंगे और इनको जवाब देना शुरू कर देंगे, तो इनको अपनी असलियत का पता चल जाएगा। आज इस देश में जितना भी अनर्थ हो रहा है वो रिजर्व सीट वालों की वजह से तो देश चल रहा है। और ये जो हमारा अभी एक चंद्रयान गया, वो अगर विफल हो गया तो किसके कारण विफल हो गया? क्या उसमें कोई रिजर्व सीट का आदमी था? नहीं, वो तो भैया मंदिरों में जाकर के पंडितों के सामने नाक रगड़ के पूजा पाठ करके गया था। और मैं एक बात बता दूं, वो उसका नाम तो मैं भूल गया, दक्षिण भारतीय कोई मेरा दोस्त है, मेरे देश का देशवासी है, वो अगर इन मंदिरों में जाके नाक ना रगड़ता और इस चंद्रयान को लॉन्च करता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% वो चांद पर सफल लॉन्चिंग करता। अभी हेमा दास इस समाज की रिजर्व कैटेगरी की महिला कितने लेकर के आई पदक? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 स्वर्ण पदक लेकर के आई, और इस देश के शासकों को सांप सूंघ गया। ना उसकी कहीं कोई प्रशंसा, ना उसकी कहीं कोई स्तुति, ना उसको कोई कोई पुरस्कार। कारण ये कि वो नहीं चाहते कि इनके बीच में कोई प्रतिभा पैदा हो। अरे हम क्या विदेशी हैं?
हम अगर प्रतिभा दिखा करके इस देश का नाम रोशन करेंगे, नाम तो मेरे देश का होगा, मगर ये कहते हैं देश का बेड़ा गर्क कल होता हो आज हो जाए, मगर वो बेड़ा गर्क भी इनके हाथों से होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें देशभक्ति की नहीं है, ये देश विद्रोह की बातें हैं। इस देश में जितने भी दलित हैं, जितने भी पिछड़े हैं, जितने भी आदिवासी हैं, वो परम देशभक्त हैं। कारण ये है कि ये देश हमारा है, ये भूमि हमारी है, इस देश में हम अपनी भूमि मानकर हम जीते हैं। और साथियों, जो बाहर से आकर के शासन करते हैं उनको कोई दर्द नहीं होता इस देश का कितना बुरा हाल होगा, इसलिए ये देश की दुर्गति करने पर तुले हैं। और क्योंकि हमारी ये मिट्टी है, हम इस मिट्टी के रक्त बिंदु हैं, इसलिए हमें चिंता है इस बात की कि ये देश कल को हमें ही संभालना है। इस देश की बागडोर बहुजन लोगों को ही संभालनी है, इस पर कहीं तरह भी आँच ना आ जाए। तो आज ये लोग जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हमारी नौकरियों का विरोध कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बेकार बनाने पर तुले हुए हैं, उसका कारण यह है कि ये नहीं चाहते कि कोई हमारा मुकाबला पैदा करने वाला पैदा हो जाए। और साहब जी, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, जितना इनका दमन चक्र तेज चल रहा है ना, उतनी तेजी से हिमा दास जैती 6-6 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिलाएं आकर के स्वर्ण इतिहास की रचना कर रही हैं, ये आज का सबसे बड़ा सत्य है। बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी का, जो ज्ञान की वर्षा हम पे कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम समय के इंडिया टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंच रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भीम।